मार्केट तो सबवे के बार तो बोल रहे हैं थोड़े न अपना भाई साहब शुभ नाम संदीप संदीप जी तुसी वोट कर दे हो हाँ जी जड़ी वोट तुसी कर दे हो वो तुसी की सोच के वोट कर दे हो यही सोच के वोट कर देंगे साढ़े देश का भला होए सरकार है हरेक बंदे का भला होए जड़े लोग वोट नहीं करते उन्होंने की संदेश देना चाहो वोट सबनों पानी चाहिए है वोट देने वाले हर हर बंदे नूं वोट करनी चाहिए है उन्हें देश का फायदा होंगे जिन्नी वोटा ज़्यादा पैणगियां बरकत पैंदी हर चीज़ तो बैटरमेंट इंडिया विच होएगी अच्छी सरकार का बैटरमेंट का की मतलब समझ लो वोटा करन नाल जिन्नी बंदे वोटा करनगे जिन्हें बंदे अपना वोटा पाणगे उन्ना काम होएगा तो हर बंदे की इच्छा का पता लगेगा उस हिसाब से हर काम ठीक होएगा किस तरीके की सरकार मतलब कि चाहते हो तुसी जो भी सरकार है देश के अंदर भला होए मेहरबानी अपना शुभ नाम गिरीश बंसल गिरीश जी तुसी वोट कर दे हो हाँ जी कर दे जी जेडे लोग वोट नहीं करते उन्होंने तुसी की मैसेज देना चाहोगे मैं तो यही कहना चाहूँगा जी वोट सानू करनी चाहिए है ताकि साड़ी चंगी सरकार चुनी जाए जिहड़ी साडे देश नूं होर तरक्की रास्ते से पावे तो जिहड़ी पॉवर्टी हैगी अपने इंडिया च वो छेती छेती खत्म हो सके तो साडा देश होर भी ज़्यादा लीड करे वर्ल्ड च ते बस यही कहना चाहूँगा कि ये साडा डेमोक्रेटिक राइट है जिहड़ा आपां नूं चंगी तरह नाल वरतना चाहिए है तो बस और जिहड़े जिहड़े अपना तुसी पढ़े लिखे हो तुसी की काम करदे हो मैं स्टडी करदा हां स्टडी कर दो जी एजुकेशन डे बाई डे महंगी होती जा रही है वो वास्ते तुसी सरकार को की मैसेज देना चाहोगे मैं यही कहना चाहना जी क्योंकि ये सारे अजकल सारे जो यूथ है वो पढ़ना चाहता है तो कुछ ऐसे है जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो पढ़ना भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होर खोलने चाहिए हायर एजुकेशन वास्ते कि ताकि वो हायर एजुकेशन चंगी तरह पूरी कर सकन तो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकन बहुत अच्छा लगा आपका शुभ नाम राहुल राहुल आपका वोट बना हुआ है हाँ जी सर आप वोट करते हैं हाँ जी और जो लोग वोट नहीं करते उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर मैं कहूँगा प्लीज़ कल जाके वोट करें ताकि आपके वोट से ही कोई पार्टी अच्छी बन सकती है और अगर आप वोट नहीं करोगे तो आप बाद में बोलोगे यार ये गलत पार्टी आ गई सो आपको अपना वोट यूज़ करना चाहिए और एक अच्छी पार्टी को चूज़ करना चाहिए और आपके साथ अभी बात हो रही थी आप 17 नंबर फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं सर उसमें ये होता है कि अगर आपका चॉइस का कोई कैंडिडेट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पार्टी को वोट ना करूं तो आप पोलिंग बूथ पे जाके 17 नंबर फॉर्म मांग सकते हैं सो दैट आप अपनी चॉइस पे लिख दो कि मेरा कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं है तो मैं वोट नहीं करना कर रहा किसी के अगेंस्ट ये आपको इस बात की जानकारी है इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है सो मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगा आप क्या काम करते हैं सर मैं स्टूडेंट हूँ MBA का आप स्टूडेंट हैं जो डे बाय डे पढ़ाई हमारी महंगी होती चली जा रही है उसके लिए आप सरकार से क्या इच्छा क्या कहना चाहेंगे कि वो पढ़ाई कैसी हो सस्ती हो महंगी हो या कि कैसी हो सर मैं यही कहना चाहूँगा अगर पढ़ाई महंगी है तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को ये नहीं कि आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई है उन्होंने फीस हर सेमेस्टर में हॉस्टल फीस बढ़ा रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं जस्ट टू मेक दम बिजनेस बनाए बट स्टूडेंट को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें सो दैट फ्यूचर में उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके उनका करियर अच्छा बन सके ये नहीं कि आप फीस बढ़ाई जाओ बट आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि उन्हें एक लॉ बनाना चाहिए सो दैट एक परसेंट वाइज इंक्रीज़ हो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम मिडिल इनकम ग्रुप है और पेरेंट्स के लिए भी बर्डन है इतनी ज़्यादा फीस देना बहुत अच्छा